हेलो गाइस, हम लोग अभी मोइनुल हक क्रिकेट स्टेडियम के पास हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, काफ़ी अच्छा कंस्ट्रक्शन में चल रहा है। होपफुली अगर ऐसा ही चलता रहा तो 2-3 साल के अंदर कंप्लीट हो जाना चाहिए। और हम लोग जैसा कि सुने थे, बजट भी अलॉट हो गया इसके लिए। तो देखिए, वो स्टेडियम के वो पवेलियन, मेन पवेलियन जो है, जहाँ पे प्लेयर्स वगैरह के लिए बैठने के लिए व्यवस्था किया जाता है, वो अच्छा खासा कंस्ट्रक्शन ऑलरेडी हो चुका है। और ग्राउंड का भी जो मेन पिच है, उसका भी कंस्ट्रक्शन ऑलरेडी हो चुका है। और यहाँ जैसे कि देख रहे हैं हम लोग, व्हीकल्स वगैरह जो कंस्ट्रक्शन में ज़रूरत पड़ते हैं, या जो ग्रास वगैरह का मैनेजमेंट के लिए, प्रेसिंग एंड ऑल के लिए, वो भी अवेलेबल हैं। तो मैं कहूँगा कंस्ट्रक्शन चल रहा है। अब सिर्फ ये, हाँ, स्टैंड को देखना पड़ेगा, काफ़ी जर्जर स्थिति है। इसे बनाने में जो समय लगेगा वो लगेगा। और फिर वो मेन पिच, वो क्यूरेटर वगैरह थोड़ा आएंगे, स्पेशलिस्ट वगैरह, उसके लिए थोड़ा ज़रूरत पड़ता है, उसके लिए फिर समय लगेगा। तो हम ये कह सकते हैं, अगर हमारे मुख्यमंत्री जी और हमारे उप मुख्यमंत्री भावी तेजस्वी यादव जी अगर ध्यान देंगे, वो खुद ही क्रिकेट बैकग्राउंड से रहे हैं, अगर वो ध्यान देंगे तो फिर जल्दी इसका काम कंप्लीट हो जाएगा। और जैसे कि हम लोग रणजी मैच ऑलरेडी हम लोग खेल रहे हैं, बिहार वाले, हाल ही से पिछले 1-2 साल से शुरू हुआ है, तो हमारे होम ग्राउंड में हमें भी खेलने का मौका मिलेगा हमारे रणजी प्लेयर्स का, जो कि काफ़ी एक प्राउड मोमेंट होगा मेरे पूरे बिहार वासियों के लिए। जैसे हम लोग रणजी में वापसी किए, वैसे हम लोग हॉस्ट कर सकते हैं रणजी मैचेस यहाँ पे। और फिर एक बार रणजी मैचेस होने शुरू होंगे तो फिर ऑब्वियसली बहुत सारे टूर्नामेंट्स वगैरह ऑर्गेनाइज होना शुरू हो जाएंगे। एक बार अगर यहाँ पे बस एक ब्रेक द आइस मोमेंट होगा, बस वही एक बार जब स्टार्ट होगा तो फिर उसके बाद बहुत सारे चीज़ें अपने आप आने शुरू हो जाएंगे। तो फिर अगर अच्छा बजट वगैरह अलॉट हुआ तो फिर हो सकता है इंटरनेशनल स्टेडियम का भी दर्जा मिल जाए, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी एक मैच हुआ था, यहाँ पे आई थिंक 1999 वर्ल्ड कप में हुआ था एक मैच, इंटरनेशनल मैच ऑलरेडी हो चुका है यहाँ पे। तो देखिए काफ़ी अच्छा नज़ारा है। और इधर ही पटना मेट्रो का भी कंस्ट्रक्शन चल रहा है यहीं पे। यहाँ पे एक प्लेटफॉर्म बनेगा पटना मेट्रो का, जो कि DMRC का या दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन का, ये वही कंपनी का आई थिंक बना रहा है, LNT है वो, उतना नॉलेज नहीं है। बट हाँ, यहाँ पे एक प्लेटफॉर्म भी बनेगा मेट्रो का, और देखिए वही जस्ट बगल में यहीं पे, और उसके बगल में ये हमारा मोइनुल हक स्टेडियम। देखिए नज़ारा, काफ़ी खूबसूरत लम्हे। स्टैंड का हालत थोड़ा ख़राब है, और इसको अगर रिस्टोर कर दिया जाए तो आई थिंक एक रणजी मैच होने लायक तो है ही। जैसे कि देखते हैं दर्शक एनोल बहुत कम रहते हैं, लिमिटेड रहते हैं, तो यहाँ पर रणजी मैच हो सकता है, रणजी का मुकाबला हो सकता है स्टैंड अगर थोड़ा सा रिस्टोर कर दिया जाए तो। और यहाँ पे जो भी है, हाँ, जैसे कि गेट्स वगैरह भी अच्छा ऑलरेडी इसका, आई थिंक स्ट्रक्चर बहुत अच्छा ऑलरेडी है, इसको बस रिकंस्ट्रक्शन में लगाना है, रिफर्बिश करना है। बहुत सारे पवेलियंस ऑलरेडी, स्टैंड गेट्स भी हैं बहुत सारे, तो आई थिंक अच्छा स्ट्रक्चर मिल सकता है। जैसे कि हम एक गेट के पास ही है हम लोग अभी, देखिए, और आपको अगर हम और नज़दीक से अगर दिखाएं तो ये रहा आपका व्यू, देखिए, और पास से अगर हम दिखाएं तो ये गेट है, मतलब उतना अच्छा खासा स्टैंड का बुरा हाल है जैसा कि आपको बताए थे हम। और ये देखिए, ये है नज़ारा, काफ़ी अच्छा खूबसूरती है। देखिए ये रहा यहाँ पे पवेलियन एंड ऑल, जो मेन पवेलियन है, जो मेन दस्तिंग है, वहाँ पे क्रिकेटर्स एंड ऑल का जो भी है, ये बन चुका है। देखिए अंदर में अलाउ नहीं कर रहे हैं, देखिए अच्छा खासा ग्लासेस वगैरह, मतलब कंस्ट्रक्शन अच्छा चल रही है। देखिए कितना जल्दी कंप्लीट करते हैं और कितना जल्दी हम लोग को खुशहाली, ये गुड न्यूज़ देते हैं हमारे मुख्यमंत्री जी। और मैं तो कहूँगा कि भावी उप मुख्यमंत्री से हमें ज़्यादा उम्मीद है तेजस्वी जी यादव जी से, क्योंकि वो खुद क्रिकेट बैकग्राउंड से रहे हैं और वो हम युवा पीढ़ियों का समझ सकते हैं हम लोग क्या चाहते हैं क्या नहीं चाहते हैं। तो एक बिहार एक बहुत युवा प्रदेश है, और अगर स्पोर्ट्स में इसे बढ़ावा दिया जाए तो फिर बहुत अच्छे अच्छे बुलंदियों पर हम लोग चढ़ सकते हैं। अभी ओलंपिक्स में भी हम लोग बहुत अच्छे अच्छे काम कर सकते हैं, हम लोग को बस प्लेटफॉर्म चाहिए। आप लोगों को पता ही होगा बिहार में जज्बात और जुनून की कमी नहीं है, हार्डवर्क जितना हम बिहारी करते हैं उतना कोई नहीं करता है। और देखिए जैसा कि वहाँ पे अगर आपको दिख रहा होगा तो जूम इन करके देखिए, स्कोरबोर्ड है ये एक्स्ट्रा जनरल, देखिए अच्छा स्कोरबोर्ड एंड वाला दिख रहा है, देखिए तो अच्छा कंस्ट्रक्शन है मैं कहूँगा, बस इस पर थोड़ा ध्यान देना है। एक होता है ना, एक ऐसा नहीं कि आप बजट पास कर दो उसके बाद काम होते रहे बिना कोई टारगेट सेट किए हुए, टारगेट सेट करना होता है। जैसे कि मेट्रो का भी, पटना मेट्रो का भी यही हाल था, बट अब आई थिंक टारगेट सेट कर दिया गया 2024 का, तो आई थिंक वो टारगेट को मैच करने के लिए लोग जो भी इससे रिलेटेड हैं, कंपनीज एंड ऑल, जो वर्कर्स हैं, वो लोग उसमें लग चुके हैं उतना कि ये मेरा टारगेट। बट आई थिंक पटना स्टेडियम का, मोइनुल हक स्टेडियम का वो टारगेट नहीं मिला, आई थिंक बजट आइडिया नहीं है।
सो मैं कहूँगा जो भी है टारगेट मिलना चाहिए और काम को जल्दी सलटना चाहिए। हम लोग रणजी में आए तो रणजी में हॉस्ट भी करेंगे और हम लोग मज़ा भी लेंगे और हमारे यहाँ बहुत क्रिकेट का टैलेंट भी है और उसको प्रदर्शन करने का हमें भी मौका मिलेगा। हम लोग भी BPL जैसे बिहार प्रीमियर लीग जैसे कुछ हम लोग भी कंडक्ट करवा सकते हैं, जैसे कि अदर स्टेट तमिलनाडु क्रिकेट प्रीमियर लीग ये सब करवा रही है, वो लोग बहुत मतलब उससे टैलेंट उभर कर आ रहे हैं। हम लोग भी अगर मेन हमारा स्टेडियम अगर देखा जाए क्रिकेट का तो मोइनुल हक ही है और हम अगर हम इसको बढ़ावा दे देते हैं तो क्रिकेट में बहुत बूस्ट आएगा और क्रिकेट में अगर बूस्ट आता है तो इसको लेकर बहुत सारे और जो भी स्पोर्ट्स हैं वो सब चीज़ों में भी बूस्ट आनी शुरू हो जाएंगी। तो मैं यही कहूँगा कि मोइनुल हक स्टेडियम जो कि अगर हम जैसे भी हम बिहार में सुनते हैं कि अगर कोई क्रिकेट स्टेडियम है, क्रिकेट स्टेडियम छोड़िए अगर कोई स्टेडियम एग्जिस्ट करता है तो हम लोग सीधे यही ध्यान में आता है कि हाँ भाई मोइनुल हक स्टेडियम बिहार में एक है और उसका अभी ये कंडीशन है। देखिए स्टैंड का तो कंडीशन ठीक नहीं लग रहा है, देखिए ये कंडीशन है। तो मैं कहूँगा मोइनुल हक स्टेडियम को रिकवर किया जाए, रिस्टोर किया जाए। और माफ़ कीजिएगा मेरा ये पहला ब्लॉग है, मैं कुछ वैसा एक्सपीरियंस नहीं, मैं घूमने आया था, मैं सोचा कि आप लोगों को दिखा दूँ, अगर जो भी इससे रिलेटेड उत्सुक हैं एक्साइटेड हैं जो भी देखना चाहते हैं वो लोग देख सकते हैं। स्कोरबोर्ड मतलब मैं कहूँगा अरेंजमेंट्स अच्छे हैं, जो इसका जो स्टार्टिंग में जो मॉडल्स वगैरह बनाए गए होंगे तो काफ़ी फार साइटेडनेस करके बनाए हैं, मतलब कि बहुत आगे सोच कर बनाए हुए हैं, अभी भी ये रिलेवेंट है, इतने सारे स्टैंड्स हैं और जो भी है अच्छा कंस्ट्रक्शन चल रहा है, बस सून टू बी कम्प्लीटेड तो अच्छा रहेगा, जितना जल्द उतना अच्छा, गुड न्यूज़ हम भी चाहते हैं। धन्यवाद, देख लीजिए नज़ारा एक बार।